दो आलसी भाई। गौरीगंज नामक गांव में रूपा नाम की स्त्री रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके दो बेटे थे, गोलू और छोटू। वो उन्हें बहुत प्यार और दुलार करती थी, क्योंकि रूपा के दोनों बेटे ही अब उसके जीवन के आधार थे। रूपा उन्हें कोई भी काम न करने देती और खुद ही दिन भर अकेले खेतों में काम करती, जिसके फल स्वरूप उसके दोनों बेटे बहुत ही आलसी हो गए थे। अरे छोटे, मास्टर साहब के आने का वक्त हो गया है। मैंने माँ को कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है बल्कि गांव का सरपंच बनना है, फिर भी ना जाने क्यों उन्होंने इस खड़ूस मास्टर को हमारे लिए पाल रखा है। सही कहा बड़े, आज तो इस खड़ूस मास्टर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटू और गोलू जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसे घास से ढक देते हैं और दीवार के पीछे जाकर छिपकर देखने लगते हैं। तभी मास्टर साहब आते हैं और धड़ाम से गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे कमीनो, मार डाला मुझे, आज तो तुम दोनों की खैर नहीं। रुक, अभी तुम्हारी माँ से तुम दोनों की शिकायत करता हूँ। रोज रोज की आदत बन गई है मुझे परेशान करने की। मास्टर साहब जोर से चिल्लाकर रूपा को बुलाते हैं। रूपा खेतों का काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ मास्टर साहब? अरे बहन जी, जो नहीं होना था वही हो गया। तुम्हारे इन नालायक सपूतों ने मुझे आज फिर से गड्ढे में गिरा दिया। रूपा गुस्से से बोली, आप मेरे बेटों को नालायक मत कहिए मास्टर साहब। हाँ, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे? अरे रूपा देवी, तुम्हारे बच्चे 20 साल के हो गए हैं, तुम इन्हें अब भी बच्चा समझती हो? इन्हें लेकर जाकर खेती क्यों नहीं सिखाती? दिन भर घर बैठे बैठे ये दोनों आलसी भाई बस खुराफात करते रहते हैं। कल से तुम इन्हें स्कूल भेजो, मैं 2 दिन में इनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। नहीं मास्टर साहब, मैं नहीं भेजती अपने लाल को आपके स्कूल। आपका स्कूल कितना दूर है? आजकल धूप भी कितनी तेज है। मेरे लाल को लू लग गई तब? तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने तुम्हारे इन लालों को मूर्ख और आलसी दोनों बना दिया है रूपा बहन। ये 3 साल से लगातार फेल होते जा रहे हैं, इस पर भी तुम इन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहती? तुमने तो ममता की सारी हदें ही पार कर डाली। ये माँ की ममता है मास्टर साहब, आप इसे नहीं समझ सकते। ठीक है, तुम इन्हें अपनी हद से ज्यादा माँ की ममता से ही इन्हें पढ़ाना। मैं तो इन पागलों को अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पढ़ाना तो दूर की बात है। ठीक है मास्टर साहब, कोई बात नहीं, मैं अपने लाल के लिए कोई दूसरा मास्टर खोज लूंगी। मास्टर साहब चले जाते हैं, रूपा भी अपने खेतों पर वापस चली जाती है। छोटू और गोलू के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खुशी से नाचने लगते हैं। हमारी तरकीब सफल हो गई छोटे, अब हमें इस खड़ूस मास्टर का मनहूस चेहरा रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा। सही कहा बड़े, अब तो आराम से दिन भर सोएंगे और खाएंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रूपा बूढ़ी होने लगी। गोलू और छोटू भी अब बड़े हो गए थे, लेकिन वो खेतों का काम करने में अपनी माँ रूपा की कोई मदद नहीं करते, बस दिन भर घर में बैठे सोते रहते या इधर उधर घूम गप्पे लड़ाते रहते। ज्यादा मेहनत करने के कारण रूपा भी कमजोर रहने लगी और एक दिन बीमार हो खाट पर पड़े दर्द से करहाने लगी। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे लाल, लगता है मुझे किसी भयंकर रोग ने जकड़ लिया है। तुम एक काम करो, पास के गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, उनको लेते आओ। मैं तुम दोनों के घर बसने से पहले मरना नहीं चाहती। पर उनका घर तो बहुत दूर है माँ, लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होगा। जानती हूँ मेरे लाल, मैं स्वस्थ होती तो खुद चली जाती, लेकिन क्या करूँ, अब मुझसे खाट से उठा भी नहीं जाता। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं वैद्य जी को लेते आऊँगा। तभी छोटू गुस्से से बोला, तुम क्यों वैद्य जी को लेने जाओगे बड़े? माँ ने तो मुझसे बोला है ना, तुम यहाँ रहकर माँ की देखरेख करो, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। छोटू को डर था कि अगर गोलू वैद्य जी को लाएगा तो वो माँ की नजरों में हीरो बन जाएगा, जो वो सपने में भी नहीं होने दे सकता। गोलू भी यही सोचता था
आखिरकार ये तय हुआ कि वो दोनों ही वैद्य जी लेने उनके घर जाएंगे। गोलू लपाक से वैद्य जी के घर की ओर बढ़ने लगा। छोटू भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद, अरे बड़े, मैंने कभी भी इतना पैदल नहीं चला। मेरी तो सांसें फूलने लगी है, कोई तांगा भी नहीं दिख रहा है। हम वैद्य जी को कैसे लाएंगे? सही कहा छोटे, इतनी दूर पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं है। मेरे तो अभी से ही पसीने छूट गए हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही कदम आगे बढ़ाने की। गोलू और छोटू रास्ते पर ही बैठ जाते हैं और वहीं बैठे बैठे वैद्य जी को कैसे बिना इतनी दूर चलाए बुलाया जाए, इसी के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं। तभी अपनी माँ रूपा की दर्द से करहाने की आवाज उनके दिमाग में गूंज उठती है और वो अचानक से सकपका कर जग जाते हैं। अरे छोटे, माँ घर में अकेले दर्द के मारे रो रही होगी, जल्दी से कोई रास्ता खोज वैद्य को लाने का। इस थकान की वजह से मेरे पैर तो चलते नहीं, दिमाग क्या खाक चलेगा बड़े? सही कहा छोटे, अब पैदल चलने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चल चलते हैं। गोलू और छोटू वैद्य जी के घर की ओर चलने लगते हैं और थोड़ी दूर चलने पर ही वो जोर जोर से हांफने लगते हैं। बस बड़े, मुझसे अब एक कदम भी और नहीं चला जाएगा। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी इतनी मेहनत नहीं की जितनी आज करनी पड़ रही है। तुम जाओ बड़े, मैं यही माँ के पास रुकता हूँ। वाह छोटे, हम सारी जिंदगी साथ साथ ही सोए हैं, साथ साथ ही खाया है, और आज थोड़ी सी मेहनत करने की बारी क्या आई, तुम मुझे अकेले भेजते हो। मैं क्या नहीं थका हूँ, तुमसे ज्यादा थका हुआ हूँ। हाँ नहीं तो तुम कोई और उपाय खोजो बड़े, मुझसे अब और नहीं चला जाता। छोटू वहीं पर पालथी मारकर बैठ जाता है, गोलू भी वहीं बैठकर हांफता रहता है। तभी उसे एक कबूतर दाना चुकता हुआ दिखता है। गोलू छोटू से बोलता है, देख छोटू, पास में एक कबूतर बैठा हुआ है। मैंने सुना है कि राजा महाराजाओं के काल में कबूतर ही सबका संदेश पहुंचाते थे। चल हम अब इस कबूतर को अपना संदेश वैद्य जी को देने के लिए बोलते हैं। अरे बड़े, कबूतरों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा मैंने सुना है। कोई मुश्किल मुश्किल नहीं होता छोटे, देख मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। गोलू अपना कुर्ता उतारता है और कबूतर के पास धीरे धीरे दबे पांव बढ़ने लगता है और पीछे से एक जोरदार झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है। कबूतर गोलू के कुर्ते में छटपटाता रहता है और छोटू खुशी से तालियां पीटता रहता है। देखा छोटे मेरा कमाल। तुम्हारा कोई जवाब नहीं बड़े, मुझे तो लगता था कि तुम्हें बस कबूतरों को अपने वश में करना आता है, लेकिन तुम तो उन्हें पकड़ना भी जानते हो। गोलू एक लकड़ी से मिट्टी पर लकीरें बनाकर कबूतर को रास्ता बताने लगता है। छोटू कबूतर को पकड़े रहता है, लेकिन जैसे ही वो कबूतर को छोड़ता है, कबूतर तुरंत उड़कर भाग जाता है। गोलू और छोटू उस कबूतर के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ए कबूतर, रुक तू, कहाँ भागा जा रहा है? कितनी मेहनत से तुझे पकड़ा था। इस दुष्ट कबूतर को पकड़ो बड़े, इसने हमें धोखा दिया है। एक बार ये मेरे हाथ लग गया ना, माँ कसम मसल के रख दूंगा इसे। लेकिन वो कबूतर हाथ नहीं आता और गोलू छोटू की नजरों से ओझल हो जाता है। वो दोनों निराश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अभी वैद्य जी का घर कितना दूर है बड़े? अभी भी कोई 10 किलोमीटर और होंगे छोटे। छोटू आश्चर्य से चीखते हुए बोला, क्या अभी 10 किलोमीटर और चलने हैं बड़े? उफ, अब मैं एक कदम भी और नहीं चल सकता, मेरे पेट में कब से गुड़गुड़ हो रही है। चलो कुछ खाते हैं। मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं छोटे, वो भी तांगे के भाड़े के लिए हैं, लेकिन ना जाने आज सारे तांगे वाले कहां मर गए, जब जरूरत होती है तब एक नहीं दिखता। वैसे तो हुजूम का हुजूम रास्ते पर मंडराते रहता है। तभी उन्हें एक ढाबा दिखता है। चलो बड़े, पहले कुछ खा लेते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, फिर हम भागते हुए कुछ ही देर में वैद्य जी को बुला लेंगे। ठीक कहा छोटे, चलो। गोलू और छोटू ढाबा में चले जाते हैं और खूब पेट भरकर खाना खाते हैं। आहा, कितना स्वादिष्ट खाना है छोटे, मुझे तो इस ढाबे के बारे में पता ही नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ रोज आता। इतनी दूर रोज चलकर आने की हिम्मत तुम में होती बड़े? स्वादिष्ट खाने की दावत करकर गोलू और छोटू की फिर उठने की हिम्मत नहीं हुई और वो दोनों वहीं ढाबे के बाहर ही सो गए। अगले दिन सुबह,
अरे छोटे जल्दी उठ, तुझे याद नहीं माँ ने हमें वैद्य जी को लाने के लिए कहा था? एक दिन बीत गया, हम अभी तक यही मक्खियाँ मार रहे हैं। अरे हाँ बड़े, मुझे तो याद ही नहीं रहा, चलो जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, कोई तांगा वाला दिखा क्या? नहीं पगले, अब उसकी उम्मीद छोड़ दे। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ, आधे रास्ते तुम चलना, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठा रहूंगा, आधे रास्ते मैं चलूंगा, तुम मेरी पीठ पर बैठे रहना, ठीक है? इस तरह हम दोनों को ही कम मेहनत करनी पड़ेगी और बीच बीच में आराम भी मिलता रहेगा। यह आपने अच्छी तरकीब सोची बड़े, चलो जल्दी से तुम झुको, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठता हूँ। बड़ा कौन है छोटे, मैं या तुम? पहले मैं तुम्हारी पीठ पर बैठूंगा, फिर तुम मेरी पीठ पर बैठोगे, समझे? और वैसे भी यह आइडिया भी तो मेरा ही है, इसलिए पहले मैं ही बैठूंगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी, आओ बैठो मेरी पीठ पर, तुम सही मैं गलत। गोलू छोटू के पीठ पर बैठ जाता है, छोटू पसीने से नहाते हुए चलने लगता है, वहीं गोलू आराम से छोटू की पीठ पर सर रखकर सो जाता है। फिर छोटू गोलू की पीठ पर बैठता है और गोलू चलने लगता है। इसी तरह अदला बदली करते हुए वो दोनों आखिरकार वैद्य जी के घर पहुंच ही जाते हैं। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। अच्छा कब से है? कल सुबह से ही। तुम्हारी माँ कल से बीमार है और तुम मुझे आज बता रहे हो? हम कल से ही घर से निकले हुए हैं वैद्य जी, आते आते देर हो गई। वैद्य जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, वो बोले, यहाँ आने में तुम दोनों को कैसे 2 दिन लग गए? वो कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे वैद्य जी, अभी जल्दी चलिए। ठीक है चलो। छोटू घबराते हुए बोला, क्या इतनी दूर हम पैदल चलेंगे वैद्य जी? अरे नहीं छोटू, मेरे पास एक तांगा है, उसी में बैठकर चलेंगे, मैंने खास कर रोगियों को देखने के लिए ही यह तांगा खरीदा था। गोलू और छोटू ने चैन की सांस ली, उन्हें इस बात की बेहद खुशी हुई कि अब उन्हें वापस से पैदल नहीं चलना पड़ेगा। वो दोनों वैद्य जी के साथ तांगे पर बैठ अपने घर आ गए, जहां उनकी माँ रूपा उसी खाट पर बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। रूपा के मुंह पर ढेर सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी। गोलू उसे जोर जोर हिलाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। वैद्य जी क्या हुआ मेरी माँ को, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वैद्य जी दुखी स्वर में बोले, तुम्हारी माँ अब कभी भी नहीं उठेगी छोटू, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत हो गई है। ये सुनते ही दोनों आलसी भाई गोलू और छोटू के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो पछतावे की आग में जलने लगे। उनके आलसी पन्ने आज उनकी माँ रूपा को उनसे छीन लिया था। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी आलस ना करने का प्रण लिया और जी जान से अपने खेतों में मेहनत करने लगे, जिससे उनके खेतों में बड़ी बड़ी फसल लहलहाने लगी, चारों ओर हरियाली छा गई, सारा घर अनाज से भर गया, बस कमी थी तो उनकी माँ रूपा की।